आपकी उम्र का है ना, तो हम मैं अपने हस्बैंड को कहा मैं जाना आया देखने उनको, मैं जाना आया। मैं आई और मैंने सोचा मैं वहाँ बैठी नहीं रहूँगी, मैं बात करूँगी आपके साथ। बात यह है बी टिल डेथ टू अस अपार्ट, आप कहते ना जो तो मर गए सब खत्म खत्म हो ना, पर ए इंग्लिश या। और कहते हैं आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहना। मैं सिख ही में हूँ पर हिंदू भी हूँ, क्योंकि मैं शिव जी से बहुत प्यार करती हूँ, शिव जी से बहुत प्यार करती हूँ, उससे बिना मैं नहीं रह सकती। मेरा प्रश्न ये है कि हम इतनी भक्ति करते 84 लाख जून है, 84 लाख जून या हाँ जी भोगनी आ, तो एक राष्ट्र हिंदू मुस्लिम सिख सारे अपने पे हैं ब्रा, व्हाट्स गोना हैपन। आदमी को चाहिए सिख ही जो ना हिंदुओं ने लौट सी काम आई सी, डू यू रिमेंबर सिख जो अपने सिख ही सजी से हिंदू करके सी है ना। तो मैं भी पूछती हूँ भी जिस गृहस्थी जीवन में हम आए हैं हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जिएंगे, और अगर हम मर गए तो हम तुम्हें कैसे याद रखेंगे। क्योंकि आई वॉन्ट टू इफ मैं इंग्लिश बोली okay, मैं चांदी है ना अभी हर जन्म में लूँ मैं आपके दर्शन करूँ, बालाजी के दर्शन करूँ, विष्णु भगवान सबके दर्शन करूँ, है ना। तो हो गए, मैंने कोई कुछ गलत तो नहीं किया, मैं दर्शन हर एक जन्म करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है माँ, और आपका जो भाव है वो बहुत ही दृढ़ है। दूसरा, आपने कहा बार बार जन्म लेंगे बार बार मरेंगे, तो कर्म के हिसाब से बार बार जन्म लेना पड़ता है निश्चित है, पर ये जन्म होते ही इसीलिए कि जन्म ना हो दोबारा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म होता है कि हम जीवात्मा हैं और परमात्मा में सदा के लिए विलीन हो जाए, जैसे मीराबाई समा गई। जी, इतनी भक्ति दृढ़ आप करो कि आपको जन्म ना लेना पड़े। फिर दूसरा प्रश्न कि बार बार जन्म लेते हैं तो हम आपको कैसे पहचान पाएंगे। माँ, इस जन्म में भी आप लंदन में थी, हम भारत में बर्मिंघम, हाँ मतलब आप इंग्लैंड में, आपको लंदन हमारे घर आना पड़ेगा। हाँ पूरी बात तो सुनो, हम नहीं तो भूल जाएंगे चैप्टर। माँ हम भारत में, आप लंदन इंग्लैंड में, इंग्लैंड की धरती पर, कितना डिस्टेंस फिर भी मिल गए। तो मिलना और आत्मीयता से जुड़ना पूर्व जन्म का कोई नाता होता है, जो इस जन्म में अपने आप टीवी के माध्यम से, माइक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चमत्कार के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से कैसे भी पॉसिबल हो जाए। रूठना ना, कभी ना रूठना, कभी नहीं मैया, मुझसे ना रूठना, हम अपने आप से नहीं रूठते, आप क्यों चिंता कर। बहुत आशीर्वाद, आपकी भक्ति और दृढ़ हो गए, आपको बल मिले, भगवान शंकर का साक्षात्कार हो गए, और आपको ये जो ये संसार की यातनाएं हैं ये ना भोगनी पड़े। और आपने फिर कहा बर्मिंघम, बर्मिंघम बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, कभी आएंगे माँ, ये नाम ही नहीं हमको आता है, पता नहीं क्यों, जब से शुरू से आए तब से ये शहर का नाम ही उल्टा पुल्टा नहीं, अंग्रेजी भी उल्टी हो सकती इसलिए हम आ नहीं नहीं आप बहुत सारी अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी। आई स्पीक इन लिटिल लिटिल इंग्लिश, वैसे हम सीख जाएंगे, हम बहुत से लोग ऐसे जोड़ रहे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, उनसे हम अंग्रेजी में ही बात करते भले ही उन्हें अटैक आ जाए। और पिछली बार हमारे साथ जो आए थे उन्होंने इतनी खतरनाक अंग्रेजी बोली थी कि अंग्रेजी की हत्या हो गई थी, नितेंद्र चौबे, उन्होंने लिखवाई किसी से कागज में और मंच से उन्होंने प्रवचन ठोक दिए। हम आए तो सिर से निकल गई, हमें तो लगी वेरी गुड, हमारा चेला है वेरी गुड अंग्रेजी बोल रहा है, और वो लिख कर बोल रहा था, लेकिन जिन्होंने सुनी वो बोली कि यार तुम्हें अंग्रेजी कही किसने। हमने कहा हुआ क्या,
अरे बोले हिंदी के अर्थ का भी अनर्थ कर दिया इन्होंने। ऐसी भी पृथ्वी पर लोग हैं हमारे चेले। हाँ जी, राम जी का सवाल। सीताराम यस तो त्याग क्यों किया? अच्छा प्रश्न है। देखो उत्तर लंबा ना देके एक लाइन में हम दे देंगे क्योंकि हमें दरबार लगाना है। अभी क्योंकि वो बच्चा कह रहा था कि गुरुजी आपने समय दिया था, समय पे नहीं आए। हम ऐसे ही फंस जाते हैं बेटा। अब इनकी आस्था का दमन करें कि करें क्या? अगर इनको जवाब नहीं देंगे, गुरुजी घमंडी है और टाइम पे नहीं आओ तो वो भाई साहब खड़े हो गए थे। देखो कितनी मजबूरी है हमारी। तो देखो उत्तर एक लाइन का ये है, ये भगवान की लीला है। वहां पर भगवान ने राज धर्म का पालन किया। राजा का धर्म है प्रजा का हित करना और प्रजा को प्रसन्न रखना। अपने दुख को भले ही अपने लिए भले ही दुखित हो जाए, पर राजा का धर्म है। तो प्रभु श्री राम ने वह राज धर्म का पालन किया। अपने परिवार से चाहे वो अलग हो गए, लेकिन राजा धर्म के लिए प्रजा की प्रसन्नता के लिए निर्णय लिया। तो दूसरी बात ये, और तीसरी बात कि बन ही क्यों भेजा? तो देखिए जो बन जाता है वही बन पाता है। राम जी जब तक बन नहीं गए तब तक बन नहीं गए। जब राम बन गए तो प्रभु श्री राम बन गए। तो राम जी तो एक बार बन गए, माँ जानकी दो दो बार बन गई। और दो बार ही माँ जानकी बन गई, इसलिए राम का नाम पीछे आता, पहले माँ जानकी का नाम आता है। लोग क्या कहते हैं? सीता राम।